नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। पेश है आज की खास खबर। महानगर ग्वालियर में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्म उत्सव के तहत एक भव्य शोभा यात्रा अचलेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर ओल्ड हाईकोर्ट पाटनकर बाजार दौलतगंज होती हुई महाराजवाड़ा पहुंची। यहां पर भगवान परशुराम को विराजमान कर महाआरती का आयोजन किया गया। यह महाआरती प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र की तारीफ में कहा कि ऐसा विद्वान नेता पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। प्रवीण पाठक ने कहा, अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है, अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। आपको बता दें कि आज परशुराम चल समारोह समिति द्वारा भगवान परशुराम की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसका समापन महाराज बाड़े में भगवान परशुराम की महाआरती करके किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर सभी आदरणीय प्रचार्या जी, मेरे सभी सम्मानित साथी, आपको प्रणाम और आप सबको भी देवतुल सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बोलो चाचा परशुराम। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम भगवान परशुराम के उन सारे कामों को करने की कोशिश करें जिससे समाज का भला हो, इतना ही मैं बोलना चाहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस काम के लिए यह सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर हर वक्त आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा, ये भरोसा मैं आपको देता हूं। और इन्हीं शब्दों के बीच साथ मैं पुनः जय परशुराम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ कहावत है कि संत का आना और बसंत का आना। बसंत आता है तो पेड़ों में नई कोपले आती है, नए पत्ते आते हैं, और संत हमारे बीच में आते हैं तो नई संस्कृति आती है, नए संस्कार आते हैं। अपने यहां कहावत है कि हम संत को याद करें ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये सौभाग्य होता है, हम संत के आश्रम में चल के जाएं तो परम भाग्य होता है, और संत हमारे बीच चल के आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है, और इतने पर भी नहीं समझे तो दुर्भाग्य होता है। अपने बीच में आए हैं कार्यक्रम में, और जैसा अभी जिन्हें सामर्थ, पुरुषार्थ और साहस के लिए जाना जाता है, हम जिनके अंश हैं, ऐसे भगवान परशुराम के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।